अभी हाल ही में कर्नाटक के एक सरकारी कॉलेज में उडुपी में हिजाब विवाद हुआ। आपने देखा होगा अभी चारों तरफ सोशल मीडिया पर हिजाब विवाद ही चल रहा है कर्नाटक का। छह लड़कियां सरकारी कॉलेज में हिजाब पहन के आती हैं तो वहां पर स्कूल प्रबंधन के द्वारा उनको रोका जाता है और वहीं से विवाद शुरू होता है। धीरे धीरे वो विवाद पूरे कर्नाटक राज्य में फैल जाता है और कर्नाटक राज्य से अब यह महाराष्ट्र तक भी पहुंच गया है। यह मामला हाईकोर्ट में चला गया है और हाईकोर्ट अब डिसाइड करेगी क्या स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनना अनिवार्य है या नहीं। अब हाईकोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला देती है अपन देखेंगे, लेकिन उससे पहले अपन ये जानेंगे कि जो हिजाब है वो क्या है और हिजाब बुरके और नकाब में क्या अंतर है, क्या ये तीनों एक ही चीज है या तीनों अलग अलग है, इनके बारे में अपन जानेंगे। अभी हाल ही में बहुत ही बड़ा विवाद हो रहा है हिजाब का, तो इसके बारे में अपन को जानना बहुत जरूरी है। देखिए हिजाब, हिजाब का अर्थ होता है पर्दा, हिजाब का अर्थ होता है पर्दा जो औरतों और आदमियों के बीच में हो। इस्लाम में हिजाब को पर्दे का अर्थ दिया गया है और इसका अर्थ यह होता है कि औरतों और आदमियों के बीच में पर्दा। कुरान में आदमी और औरत दोनों को शालीन कपड़े पहनने की हिदायत दी गई है। कुरान इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है, इसमें कहा गया है कि औरतों और आदमियों दोनों को शालीन कपड़े पहनने की हिदायत दी गई है कुरान में। हिजाब के अनुसार औरतों को ढीले ढाले कपड़े साथ ही सिर पर ढकने की बात कही गई है। आप ये फोटो में देख सकते हैं हिजाब सिर पर ढकने का होता है, ये फोटो आपको दिख रहा होगा, उसको ही हिजाब कहा जाता है। ढीले ढाले कपड़े पहनना और सिर को ढकना, इसको हिजाब कहा जाता है। अब आप देखिए नकाब क्या होता है, नकाब क्या, नकाब और हिजाब दोनों एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं। देखिए आप नकाब यह चेहरा छुपाने का कपड़ा होता है। अब नकाब और हिजाब में दोनों अंतर है, आप ये फोटो देख सकते हो नकाब का, इसमें सिर पूरी तरह ढका हुआ होता है, नकाब में सिर्फ आंखें खुली रहती हैं। अब ध्यान रखना हिजाब में तो आंखें और चेहरे भी देख सकते हैं लेकिन नकाब में सिर्फ आंखें खुली रहती है, चेहरा से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक तो पूरा शरीर ढका रहता है और सिर्फ आंखें खुली रहती है और ये काले रंग का होता है। अब देखिए आप बुर्का, बुर्का क्या होता है, क्या बुर्का और नकाब एक ही है, क्या इनमें भी अंतर है। देखिए आप नकाब का अगला स्तर बुर्का होता है, नकाब से जब अगला स्तर जाएंगे ना तो बुर्का होता है। नकाब में आंखें खुली रहती हैं जबकि बुर्के में आंखों के स्थान पर एक खिड़की नुमा जाली होती है। अब देखिए आप नकाब में, ये नकाब में आंखें खुली रहती है लेकिन बुर्के में, देखिए बुर्के का फोटो देखिए, आंखों के जब बुर्का पूरा ढका होता है चेहरे पे तो आंखों के ऊपर एक हल्की जाली नुमा जाली रहती है, खिड़की नुमा, जिससे उसे आर पार देखा जा सकता है, या उसकी जगह एक हल्का कपड़ा भी होता है, एक हल्का कपड़ा भी होता है आंखों के यहाँ पे जो आर पार देख सकते हैं। मतलब बुर्का यह होता है कि पूरा ऊपर से लेकर नीचे पूरा ढकना, कहीं पे भी खुला नहीं होना। नकाब में तो आंखें भी खुली रहती है लेकिन बुर्के में आंखें भी खुली रहती है, आंखें के ऊपर भी एक जाली नुमा या खिड़की नुमा एक पर्दा लगा होता है जिसे आर पार देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, साथ ही पूरे शरीर को ढका हुआ रहता है। अब आप देख लीजिए, हालांकि बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर बुर्के पर बैन है और बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर बुर्के हिजाब पर कोई बैन नहीं है, और अभी आपने देखा होगा कि हिजाब बुर्के और नकाब में क्या अंतर है, इनका अंतर आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी कोई विषय आता है ऐसा विवाद का तब ये जानना जरूरी होता है कि हिजाब बुर्के और नकाब में क्या अंतर है। इसी के साथ आज यहीं, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।